हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओह, इट्स 5:14 ऑलरेडी। तो मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था और अभी 5:14 हो रहे हैं। 14 मिनट्स मैं लेट हो चुकी हूँ। नो प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। तो मेरी यहाँ सुबह की शुरुआत होती है सुबह की 5 बजे से। कभी कभी मैं इससे पहले भी उठ जाती हूँ, कभी कभी मैं सुबह 4 बजे भी सुबह उठ जाती हूँ। तो मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है और सुबह उठकर ही मैं सभी काम कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही सभी काम कर लूँ। मेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है, मेरे पति को ऑफिस जाना होता है, मुझे ब्रेकफास्ट लंच प्रिपेयर करना होता है सबके लिए। तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले मैं फ्रेश होकर ब्रश कर लेती हूँ। फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग मोपिंग मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। सुबह उठने के बाद डायरेक्ट मैं अपने किचन में नहीं जाती, बिना नहाए मैं खाना नहीं बनाती। सूर्योदय से पहले ही हमें अपने घर को क्लीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह सूर्य की किरणें हमारे घर पर पड़ती है। तो हमें सूर्य भगवान का आगमन साफ़ सुथरे घर में ही करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो मेरा घर ईस्ट फेसिंग है और मेरे घर में सबसे पहले सूर्य की किरणें आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सनराइज़ होते ही अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ, जिससे कि आराम से सूर्य देवता मेरे घर में प्रवेश करें। और जब मेरा घर साफ़ सुथरा होता है तो सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो घर में अलग सी शाइनिंग आती है। तो मैं अपने घर में मेड्स तो नहीं रखती हूँ, मैं अपना घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। सुबह की डस्टिंग क्लीनिंग मोपिंग मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं मंदिर में चली जाती हूँ भगवान का पूजा करने। सुबह सुबह भगवान का अच्छे से पूजा हो जाए तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और मन को सुकून मिलता है, बहुत ही शांति मिलता है। उसके बाद मेरी एंट्री होती है किचन में। मैं अपने बच्चों के लिए लंच बना लेती हूँ, उन्हें टिफ़िन में जो भी ले जाना होता है मैं उनके लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो मैं अभी पराठे बना रही हूँ, उन्हें पराठे बहुत पसंद है मेरे बच्चों को। तो उनकी जो भी डिमांड्स होती है मैं उनके टिफ़िन में बना कर देती हूँ। कभी कभी वो पूड़ियाँ ले जाते हैं, कभी पराठे, कभी ब्रेड। तो उनके मूड के हिसाब से उनके लिए टिफिन बनती है। फिर मुझे अपने बच्चों को जगाना पड़ता है, जो कि बहुत ही टफ़ काम है, क्योंकि बच्चे बहुत गहरे नींद में सोए रहते हैं तो उन्हें मुझे जगाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता। लेकिन अब स्कूल है तो जगाना भी ज़रूरी है, तो ज़्यादातर जगाने का काम इनके डैडी करते हैं। इनकी स्कूल की वैन आती है 8:30 में, तो मैं इन्हें 7:30 तक जगा देती हूँ। फिर इन्हें ब्रश कराना, नहलाना, यूनिफॉर्म पहनाना, ब्रेकफास्ट कराना, स्कूल की टिफ़िन देकर फिर इन्हें भेजना होता है। इनकी स्कूल की वैन हमारे घर के पास ही आती है, तो आप देख सकते हैं बच्चे हमें टाटा कर रहे हैं। फिर ये वैन में बैठ के अपने स्कूल चले जाएंगे। फिर मेरे पति यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मेरे पति रोज़ सुबह नहा धोकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तब तक मैं यहाँ चाय प्रिपेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग की टी। और जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं अपने लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ।
मैं सुबह ही साथ ही साथ लंच भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस लंच ले जाते हैं, इसलिए मैं लंच की प्रिपेयर सुबह ही कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट लंच मेरी सब सुबह ही रेडी हो जाती है। तो आज मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। लौकी मैं यहाँ कट कर ले रही हूँ, छोटी छोटी पीसेस में चॉप कर ले रही हूँ। तो आज अभी ठंड के मौसम आ रही है, मौसम बदल रही है, और ठंड के मौसम की लौकी बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिन्हें काटना बहुत ही ईजी होता है। और लौकी मुझे बहुत पसंद भी है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सब्ज़ी यहाँ गैस पे चढ़ा दिया है। तो जब तक मेरी सब्ज़ी रेडी हो रही है, मैं अपना सुबह का चाय पी लेती हूँ। सुबह का चाय होने के बाद फिर मैं अपने घर के पौधों में पानी डाल लेती हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है पौधों के लिए पानी। और आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल रहा है, जिसकी वजह से पौधे बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। हमें टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, उन्हें बहुत ही ज़रूरत होती है केयर की। फिर मेरे पति ऑफिस चले जाते हैं, मेरे बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह से उठकर अनस्टॉपेबल काम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा खुद के लिए टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।